कि नीतीश कुमार जी के जो भी सांसद हैं वो उनके अकेले के सांसद नहीं है, वो प्रधानमंत्री जी के भी सांसद हैं। तेजस्वी यादव जी अभी तो हेलीकॉप्टर में मटन मछली और संतरे खा रहे हैं, बिहार की जनता ने सबक सिखा दिया। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ने वाला है। उनको सभी कामों को आगे कर करके और जनता का विश्वास जीतेंगे, और हमें पूरा यकीन है कि अगले 5 साल में जो ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम होगा एक विकसित राष्ट्र के संकल्प। नीतीश बाबू का मोदी सरकार सजीवन बूटी का टूट जाएगा। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ शपथ ले रहे हैं तो दूसरी तरफ देखिए भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। लाइटें लगाई गई है, पूरे भाजपा कार्यालय को सजाया गया है और पटना में तमाम जो कार्यकर्ता है मिलकर आतिशबाजी कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, तो जानते हैं कि कितनी खुशी का माहौल है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, क्या करेंगे? बिल्कुल, बिहार देश के लिए और इस राज्य के लिए गौरव का बात है। यह देश और यह बिहार राज्य डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, बन गई है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ने वाला है। बिहार में काफ़ी काम बचा है, हम बिहार के विकास की बात सोचते हैं, देश का भी विकास होगा। देश पुनः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वगुरु बनेगा। भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी है। और बिहार में जो लोग बोलते थे कि संविधान खतरे में है, हम आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, इस देश का संविधान, इस देश का आरक्षण और इस देश का लोकतंत्र बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। बोलते हैं कि अभी वैसाखी वाली सरकार है, कब वैसाखी टूट जाएगी, कब सरकार टूट जाएगी, इसकी भी भारतीय जनता पार्टी गारंटी नहीं है। मोदी जी गारंटी लेंगे? भारतीय जनता पार्टी को जितने सीटें आई है पूरे गठबंधन को उतने सीटें नहीं आई है। जरा तेजस्वी यादव जी को कहीं आंकड़े को देखें। तेजस्वी यादव जी अभी तो हेलीकॉप्टर में मटन मछली और संतरे खा रहे हैं, बिहार की जनता ने सबक सिखा दिया, 4 अंक पढ़ला दिया। तो कह रहे हैं कि जिस अयोध्या में मंदिर बनवा करके वोट मांग रहे थे वो अयोध्या की सीट ही बीजेपी हार गई। आपको बता दें भगवान राम माता सीता की जो धरती है वहाँ भी सीट हार गई। माता सीता की धरती सीतामढ़ी है, शिवहर है, वहाँ दोनों जगह पर NDA जीता है। पूरे बिहार में, उत्तर बिहार में NDA गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी नित गठबंधन पूरे बिहार में जीतने का काम किया है। 30 सीटें हमको मिली है, बिहार में जितने सीटें हमको मिली है उसके आधे पर भी वो लोग नहीं पहुंच पाए हैं। चलिए, इस बार प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, क्या लगता है महंगाई और बेरोजगारी के लिए कुछ करेंगे? एकदम करेंगे, आगे भी कहते आए हैं, रोजगार भी मिला है, महंगाई भी कम हुआ है, सब और भी लोग हैं उनसे भी जानते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री, बेरोजगारी के बारे में सोचेंगे? अब बार बार विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है। देखिए, बेरोजगारी की बार बार जो बात आती है, ऐसा नहीं है कि पिछले 10 सालों में रोजगार लोगों को नहीं मिला है। रोजगार को अगर सिर्फ सरकारी नौकरी से जोड़ के देखेंगे तो फिर दिक्कत है। लेकिन सीटें कम हुई है भारतीय जनता पार्टी की। सीटें कम हुई है निश्चित रूप से, इसको हम स्वीकार करते हैं, प्रधानमंत्री भी स्वीकार करते हैं। हम लोग सब लोग हम लोग बिल्कुल स्वीकार करते हैं, लेकिन जनता का विश्वास इस तरह से जीतेंगे क्योंकि जो काम बाकी रह गए हैं उन कामों को पूरा करके, जो पिछले 2 कार्यकाल में हम काम नहीं कर पाए हैं उनको सभी कामों को आगे कर करके और जनता का विश्वास जीतेंगे। और हमें पूरा यकीन है कि अगले 5 साल में जो ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम होगा एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के लिए जो उन्होंने काम करने के ठाना है उसको पूरा करेंगे। और आगे जब इसके 5 साल के बाद फिर से जब हम जाएंगे चुनाव में तो जो इस बार हमारा नुकसान हुआ इससे डबल फायदा जो है। कब तक चलेगी? देखिए, बैसाखी की सरकार विपक्ष कर रही है, जो पूरे गठबंधन इंडिया गठबंधन के आप पूरे सीटों को मिला देंगे तो उससे ज़्यादा अकेले सीटें भाजपा को है। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे, उन सबसे ज़्यादा सीटें भाजपा की है, पूरी मिला करके भी इंडिया गठबंधन की इतनी सीटें नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं कि बैसाखी की भाजपा का ये समीकरण तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी बर्बाद कर सकती है। नहीं नहीं, ये समीकरण बर्बाद कैसे कर सकती है? इनके साथ गठबंधन हमारा कोई नया तो है नहीं नीतीश जी के साथ। लेकिन में। लेकिन, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी क्या अपने दम पर ये सरकार बनाई है? क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की वजह से ये सरकार नहीं है? तो आपको ये भी जानकारी होगी, आप पत्रकार हैं तो आपको ये भी जानकारी होगी कि ये चुनाव के पूर्व में ये अलायंस हुआ था,
यानी चुनाव के बाद उनको हम लोगों ने साथ में नहीं जोड़ा है। हाँ? हमने उनके एक एक जो सांसद उनके जो एक एक सांसद बने हैं उसके लिए प्रधानमंत्री ने उतनी ही मेहनत की है जितना नीतीश कुमार जी ने मेहनत किया। इसका मतलब कि नीतीश कुमार जी के जो भी सांसद हैं वो उनके अकेले के सांसद नहीं है, वो प्रधानमंत्री जी के भी सांसद है। बिल्कुल नहीं, एनडीए जब गठबंधन में जब चुनाव लड़ती है तो उसमें हर एक जो लोग लड़ रहे हैं चुनाव वो सब एक दूसरे के लिए एक सहयोग से लड़ रहे हैं और वो जीत रहे हैं और बन रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार और टीडीपी दोनों कहीं जाने वाले नहीं है, कहीं जाने वाले नहीं है और 100% विकास होगा और ज्यादा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी कितना विकास करेंगे, महंगाई कम करेंगे? हमारे मोदी बाबू सजीवन बूटी हम नाम रखे हैं, मिस्टर व्यास लंदन टू पटना बीजेपी से खेलता हूँ बहन, उनको तहत बहुत आबादी मिलेगा और दोबर मिलेगा। महंगाई कम होगा? महंगाई तो नीतीश बाबू कम करने के लिए वो सजीवन बूटी बनिए गए हैं, वो दोनों भाई बन गए हैं ना। सजीवन बूटी बना है और हमारे नीतीश बाबू और मोदी बाबू दोनों बूटी बने। हाँ, तो पलटू राम कहते हैं? नहीं, वो तो हवाई जहाज से काम किए हैं, सब गरीबों के देश विदेश कमा के आते हैं इंडिया में, इनकी बदौलत ना। इस चलते हम सजीवन बूटी नाम उनको रखे हैं, नीतीश कुमार का, नीतीश बाबू का, मोदी सरकार सजीवन बूटी का। टूट जाएगा? नहीं नहीं नहीं, उधर से ऑफर आ रहा है प्रधानमंत्री पद के लिए, उप प्रधानमंत्री। अरे लोग पानी नहीं पिलाया मैंने, अटारी दिया, जहाज हेलीकॉप्टर पर चढ़ा के देश विदेश कमवाया मैंने, योजना करने जा रहे हैं, चीनी मिल खोलने जा रहे हैं, सारा योजना बंद है, वो खोलने के लिए मैंने अवलदार हो गया है मेरा सजीवन बूटी, जिंदाबाद बोलिए जी। अब फिर उनको 20 साल रखेंगे, खुल जाएगा सारा। जी जी जी, सारा सिस्टम आप लोग को दे दिया जाएगा। चलिए, तो बीजेपी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, लगातार यहाँ पर आतिशबाजियाँ हुई है, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई गई है, प्रधानमंत्री मोदी उधर शपथ ले रहे हैं और इधर ये तमाम जो कार्यक्रम है वो भाजपा दफ्तर के बाहर की जा रही है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शपथ ले रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो है माहौल हमने आपको दिखाया। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।